हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे IBPS क्लर्क प्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 के बारे में। तो ये जो कट ऑफ होगी वो स्टेट वाइज होगी, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके स्टेट में कितनी कट ऑफ जा सकती है। ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और किस स्टेट से आपने अप्लाई किया है उस पर भी डिपेंड करता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक IBPS ने जो बैंक होती हैं उसमें सभी बैंकों ने अपनी वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की हैं, तो कट ऑफ में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। अगर वैकेंसी डिक्लेयर हो जाती है प्री के रिज़ल्ट के पहले तो कट ऑफ में भी कम भी जा सकती है, नहीं तो आपको हायर साइड में कट ऑफ देखने को मिल सकती है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की कट ऑफ आपको 73 पिछली बार गई थी, 2019 की कट ऑफ है, तो इससे आप 2-3 नंबर प्लस कर देंगे तो इसकी कट ऑफ लगभग 76 के आसपास जा सकती है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका की कट ऑफ जो है वो कम होती है, सो इसकी कट ऑफ जो है वो आपको 58 के अराउंड देखने को मिल सकती है, 58 to 60 के अराउंड। तो इसके बाद केरला की कट ऑफ पिछली बार गई थी 73.5, सो इस बार आपको 75-76 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश की कट ऑफ 70 थी लास्ट ईयर, इस बार आपको 75 के आसपास MP की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र की जो कट ऑफ है वो 61.5 लास्ट ईयर थी, तो महाराष्ट्र में जो कट ऑफ है वो कम जाती है, तो इस बार आपको 65 to 67 के अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 65 to 67। अब देख लेते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की कट ऑफ 75 अराउंड जाएगी, पंजाब की अराउंड 72 to 75, राजस्थान की जो कट ऑफ है वो अराउंड 76 देखने को मिल सकती है आपको, तमिलनाडु की जो कट ऑफ है वो अराउंड आपको 60-62 के अराउंड देखने को मिल सकती है। अब देख लेते हैं बाकी जो स्टेट है उनकी कट ऑफ कितनी जाएगी। ये मैं कट ऑफ जनरल कैटेगरी से बता रहा हूँ, अगर आप कैटेगरी से हैं तो उसके आप से उस हिसाब से आप 4-5 नंबर कट ऑफ कम मान सकती हैं कैटेगरी वालों के लिए। तेलंगाना की कट ऑफ 61 है, तो इसकी इस बार कट ऑफ 68 to 69 तक जा सकती है। और यूपी की कट ऑफ 68.5 थी लास्ट ईयर, तो इस बार इसकी कट ऑफ 78 या 76, 75 to 78 के अराउंड हो सकती है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की कट ऑफ की। तो आंध्र प्रदेश की कट ऑफ जो लास्ट ईयर थी वो 66.25 थी, तो इस बार आपको कट ऑफ अराउंड 70 to 72 देखने को मिल सकती है। और आसाम की कट ऑफ कम जाती है, तो इसकी कट ऑफ आपको 68 से 69 देखने को मिल सकती है। और बिहार की कट ऑफ 72 to 73, बिहार की कट ऑफ 72 to 73 देखने को मिल सकती है। और चंडीगढ़ की कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, तो 76 से 78 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। और दिल्ली की कट ऑफ लास्ट ईयर 71 थी, तो इस बार अराउंड 75 आप लोग दिल्ली की कट ऑफ मान सकते हैं। गोवा की कट ऑफ 67। अब डिस्कस करते हैं गोवा की कट ऑफ। तो गोवा की कट ऑफ जो जाएगी वो अराउंड 68 to 69 के अराउंड जा सकती है। और गुजरात की कट ऑफ की बात करें तो गुजरात की कट ऑफ लास्ट ईयर जो गई थी वो 67 गई थी, 27 नहीं गई थी, तो इस बार भी कट ऑफ लगभग 69 to 70 के बीच जा सकती है। और हरियाणा की कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी, तो इसकी कट ऑफ जो है वो 72 to 73 के बीच जा सकती है। हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ अराउंड 74 to 75, और जम्मू कश्मीर की कट ऑफ अराउंड 70, और झारखंड की कट ऑफ तो मैंने बताई थी अराउंड 75 जाएगी। तो ओवरऑल ऑल स्टेट के कट ऑफ की बात करें तो वो अराउंड 70 to 85
के बीच जाने की पूरी पूरी संभावना है। और कैटेगरी की बात करें तो आप लोग इससे 4-5 नंबर कम कर सकते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।